हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सचिन कुमार सोनकर और मेरे चैनल टेक्निकल सचिन कुमार सोनकर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आप सभी के लिए पेटीएम का एक ऑफर और एक सतर्क जानकारियाँ, जो कि आप लोगों को बहुत ही जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसा अगर आप नहीं करेंगे तो आज आप अपने पेटीएम बैंक और भी जितने भी आप अपने वॉलेट में पैसा उसको खो सकते हैं, तो आप लोग जान लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो और मैं आप लोगों को क्या क्या है इसका जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल टेक्निकल सचिन पर नए हैं और मेरे चैनल टेक्निकल सचिन को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाएं, मेरे चैनल टेक्निकल सचिन को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि लेटेस्ट अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो। मैं आप सभी को सबसे पहले एक मंथली 20 प्रोमो कोड के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, ये कैशबैक मुझे परसों मिला था, तो मैं आप लोगों को पासबुक वाले सेक्शन में जाकर दिखा देता हूँ। मैं आप लोग को दिखा दूँ कि मंथली 20 इंच बैक हो गया है, क्योंकि आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप लोग अप्लाई करके भी देख सकते हैं। उसका वहाँ टर्म एंड कंडीशन सेम है, तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे 20 रुपये का कैशबैक मिला हुआ है। आप लोग यहाँ पर डेट भी चेक कर सकते हैं, 13 सितंबर को। तो दोस्तों, ये मंथली 20 प्रोमो कोड वापस आ चुका है, मगर अभी फ़िलहाल कुछ ही यूजर्स को मिल रहा है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात जो इस वीडियो का बनाने का मेरा उद्देश्य है कि थोड़ा आप लोग सतर्क हो जाइए, क्योंकि पेटीएम के नाम पर बहुत सारे लोग आप लोग को लूटने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के पास कुछ ऐसे कॉल्स SMS या मनी रिक्वेस्ट आएंगे जो दिखाएगा आप लोगों को पेटीएम की तरफ से है, मगर वो पेटीएम की तरफ से नहीं होगा, वो किसी अभी फ्रॉड कंपनी है जो ऐसा कर रही है। ऐसा लोगों को सज़ा मिलना चाहिए, मगर दोस्तों, क्या आप लोगों के पास ऐसा मनी रिक्वेस्ट या फ्रॉड कॉल का कोई भी चीज़ आया है तो मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, इस फ्रॉड कॉल को जल्दी से जल्दी हम लोग को ख़त्म करना होगा, क्योंकि हम लोग अपना मेहनत से पेटीएम बैंक में पैसा जुटाते हैं, तो ऐसे फ्रॉड कॉलों से बचिए। अगर आप पे मनी रिक्वेस्ट आ रहा है पेटीएम की तरफ से, तो पेटीएम नहीं करता है, कोई फ्रॉड है जो कॉल या मनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और आप लोग के पास जैसे ही ये मनी रिक्वेस्ट दिखा, तुरंत उसको स्पैम में डाल दीजिएगा, जिससे कि वो दोबारा न भेज सके। तो आशा करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को जो मैं बताया हूँ उसको पसंद आया होगा। दोस्तों, एक आप लोग से निवेदन रहेगा कि मेरा एक चैनल है, मैं उस पर वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को मैं लिंक नीचे डाल दूँगा, और उस वीडियो को आप लोग कैसा लगेगा मुझे बताइएगा नीचे कमेंट में। और उस चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो एंटरटेनमेंट रिलेटेड वीडियो रहेगा उसमें, तो आशा करूँगा कि वो भी वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। तो उस चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।